शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस द्वारा गंगाजल की झूठी कसम वाले बीजेपी के आरोप को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिया बयान। कहा, मैंने कभी गंगाजल लेकर नहीं खाई कसम। तो वहीं प्रियंका गांधी के घोषणाओं पर कहा, एक एक कर हाईकमान से अनुमति लेकर की जाएंगी घोषणाएं। सरगुजा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में मांगा है जवाब। एफएसटी की टीम ने सीतापुर के आदर्श नगर स्थित भगत के गोदाम पर छापा मार कर साड़ियां और खेल सामग्री की थी जब्त। बीजापुर में एक तरफ जहां नक्सलियों ने कई मार्गों पर पर्चे फेंक कर चुनाव का बहिष्कार किया है, तो वहीं दूसरी ओर गंगालूर इलाके के हजारों ग्रामीण भी अब चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नेताओं और राजनीतिक पार्टियों पर अब नहीं रहा भरोसा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में पुलिस ने दो अलग अलग जगहों से 3 लाख से ज्यादा की शराब के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाई जा रही थी शराब। आरोपी अमित यादव और छबीलाल दुर्ग व कबीरधाम जिला का है निवासी। दुर्ग में एसएसटी एवं चौकी जेवरा सिरसा की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। वाहनों की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में चादर भरी हुई कंटेनर किया गया जब्त। चादर की कीमत है लगभग 15 लाख रुपए। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में रायपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड दीपेश सिंह चौहान समेत 6 आरोपियों को भिलाई से किया गया गिरफ्तार। पार्षद दीपक जायसवाल के भाई को भी बनाया था शिकार। इन सटोरियों ने कई लोगों के खाते से किया था करोड़ों का हेर फेर। राजधानी के जी रोड स्थित तहसील ऑफिस के सामने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में चोरों ने की सेंधमारी। रातिर चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर चांदी की मूर्ति और थाल लेकर हुए फरार। मौधापारा थाने में की गई शिकायत दर्ज। बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रायगढ़ में तेज आवाज में बजने वाले डीजे और साउंड सिस्टम को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त। पुलिस ने 3 डीजे संचालकों का साउंड बॉक्स और डीजे मशीन किया जब्त। दुर्गा मेला सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के बजा रहे थे डीजे।